श्रावस्ती जनपद के इकोना इलाके के कैलाशपुर से आ रही है बड़ी खबर, जहां पर मजदूरी के बकाया पैसे मांगने पर मारपीट की घटना सामने आई। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के कैलाशपुर का यह पूरा मामला है, जहां पर मजदूरी के पैसा मांगने पर मारपीट की घटना सामने आई, जिसमें एडवोकेट समेत 5 लोग चोटिल हुए हैं। तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के कैलाशपुर का यह पूरा मामला है, जहाँ कैलाशपुर के निवासी शेरे यशदा, जो पेशे से अधिवक्ता हैं और इकोना तहसील में वकालत करते हैं, उनके भाई ने विपक्षी से अपने बकाया पैसे मांगे। जब 12,000 बकाया मजदूरी की पैसे की मांग की गई, तो वो आग बबूला हो गए और विपक्षियों ने आग बबूला होकर उनके भाई पर हमला कर दिया, जिनको बचाने के लिए इनके परिजन और भारी संख्या में पहुँच गए। ऐसे में मारपीट की घटना सामने आई, जहां पर मारपीट कर 5 लोगों को बेहद चोटिल कर दिया गया। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के कैलाशपुर का मामला, जहां पर अधिवक्ता शेरे यशदा पुत्र मोहम्मद यूनुस निवासी कैलाशपुर ने इकोना थाने पर पहुंचकर बताया कि वो कैलाशपुर का निवासी हैं। आज 16 जून समय शाम लगभग 6 बजे उनका भाई सहन शाह पुत्र अदहम अली पता उपरोक्त विपक्षीगढ़ हकीमुल्ला पुत्र फसीउल्ला व आमिर पुत्र हकीमुल्ला व अन्य तमाम लोगों के यहाँ बकाया 12,000 रुपये की मांग करने गया था। तभी लोगों ने उस पर हमला कर दिया। जब इसकी सूचना घर वालों को मिली, तो घर वाले भी मौके पर पहुंच गए और ऐसे में घर वालों की भी पिटाई की गई। इस घटना में अधिवक्ता समेत 5 लोगों को चोटें आईं। सभी लोग इकोना थाने पर पहुंचे, जहां पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए सभी को मेडिकल परीक्षण के लिए इकोना अस्पताल भेज दिया, जहां पर डॉक्टर उनका उपचार करने में जुटे हुए हैं। श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके के कैलाशपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर अचानक मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया और इसमें अधिवक्ता समेत 5 लोग घायल हुए। सभी को इकोना अस्पताल भेजा गया, जहां पर उनका उपचार किया जा रहा है। हालांकि पुलिस की तरफ से 4 लोगों को मेडिकल परीक्षण के लिए भेजा गया, परंतु घायलों की संख्या 5 बताई जा रही है। थाना क्षेत्र इकोना इलाके के कैलाशपुर गांव का यह पूरा मामला है, जहां पर यह घटना सामने आई, जहां पर मजदूरी के बकाया पैसे मांगने पर यह विवाद हुआ और विवाद में जमकर मारपीट की गई, जिसमें एक पक्ष के 5 लोग चोटिल हुए हैं। सभी चोटिलों को इकोना अस्पताल भेजा गया है, जहां पर भारी पुलिस की मौजूदगी में सभी का डॉक्टर उपचार करने में जुटे हुए हैं। सबसे तेज खबर श्रावस्ती चैनल पर आप देख पा रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर, जो श्रावस्ती जनपद के थाना क्षेत्र इकोना इलाके से आई है और यहां पर 5 लोग एक पक्ष के चोटिल हुए हैं, जिन्हें इकोना अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां पर कुछ लोगों की हालत गंभीर बताते हुए डॉक्टरों ने जिला अस्पताल भी रेफर किया है।